नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम अपना सेकंड रिजल्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सेकंड रिजल्ट कह लीजिए या फिर थ्योरम कह लीजिए, जहां पर मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर हमारे पास में कोई भी सबसेट है, कोई भी सेट है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उसका जो सबसेट आएगा वो कोई भी सबसेट हो सकता है, उसका ये कोई भी सबसेट हो सकता है, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। पिछली बार हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि अगर हमारे पास में कोई भी लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो उसका हम कोई भी सुपरसेट ले लें, वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट आएगा। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हम कुछ नहीं कह सकते कि उसका जो सुपरसेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा या फिर डिपेंडेंट आएगा। इसी तरह से आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी सेट है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका जो सबसेट आएगा वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि अगर हमारे पास में ये एक सेट है ए, उसका सबसेट है ये बी, अगर हमारे पास में ए जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास में बी जो है वो भी हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर हमारे पास में ए जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम कुछ नहीं कह सकते कि बी जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा या फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन हमें एक मदद तो मिल गई है कि अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हम उसका कोई भी सबसेट उठाकर देख लें, वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। ये जो पिछला रिजल्ट था और आज का रिजल्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आपको एक शॉर्टकट मिल जाएगा जो आप जज कर सकते हो कि ये जो बड़ी सेट आ रही है ये किस कैटेगरी में आनी चाहिए, इंडिपेंडेंट की या फिर डिपेंडेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट से। एनी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमारे पास में कोई भी सबसेट जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का वो हमेशा ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इसका प्रूफ जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल है और डायरेक्ट यूज करने वाली हूं मैं इससे पिछले वाले रिजल्ट का। मैंने इसको सेपरेट इसलिए कराया है ताकि आप जब इसको सर्च करेंगे तो आपको इसको सर्च करना थोड़ा सा आसान हो जाए। लेट S contained in equal to T, जो दोनों सेट्स मैं यहाँ पर कंसिडर कर रही हूँ उसको मैंने S और T का नाम दे दिया है। हमें ये दे रखा है गिवन दैट T इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमें ये दे रखा है कि T जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमें ये शो करना है कि S जो है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। टू शो S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, हम इसका उल्टा मान के चलते हैं। जैसा कि आप देखते हो मैथ्स में हम बहुत सारी चीजें ऑपोजिट कंसिडर करते हैं और फिर कहीं ना कहीं हम कॉन्ट्रडिक्शन पे आके अटक जाते हैं और हमें ये पता चलता है कि जो हमने कंसिडर यानी कि एज्यूम किया था वो चीज हमारी गलत है, रिजल्ट जो है वो उसका उल्टा होगा। हमें ये शो करना है कि S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं लेट इफ पॉसिबल S इज लीनियरली डिपेंडेंट। जो हमें प्रूफ करना है हमने उसका उल्टा एज्यूम कर लिया है कि सपोज S जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अब हमें पता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का हम कोई भी सुपर सेट लेते हैं वो भी हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। सिंस सुपरसेट ऑफ एवरी लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट और T जो है वो S का सुपरसेट है, देयरफॉर T इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमें यहां पर ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, therefore S must be linearly independent। तो हमारे पास में S जो है वो linearly independent ही होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और इसी तरह से हमारा आज का ये जो वीडियो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर बेस्ड यानी कि linearly dependent independent के ऊपर ही बेस्ड हम थर्ड रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी के सभी जो रिजल्ट्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे बार बार कमेंट आते हैं कि आप सिर्फ थ्योरी ना कराइए इसमें बेस्ड क्वेश्चन भी कराइए, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने हर एक टॉपिक पे जहाँ तक हो सके बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। क्वेश्चंस आगे पीछे हो जाते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये टॉपिक हुआ इसके इमीडिएट बाद क्वेश्चंस होंगे, क्यों, लेकिन आप उसका थंबनेल और टाइटल अच्छे से चेक कर सकते हैं कि ये इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं या नहीं है।
अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर